जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी इंडिया की 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। जी हां, 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस किस रूट पर चलने को है, इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों अगर हम 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो सबको यही लग रहा था और मीडिया रिपोर्ट्स में भी यही बताया जा रहा था कि हमारी 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस इंदौर से जयपुर के बीच में चलने वाली है। और हुआ कुछ ऐसा जो आप सबको पता ही होगा कि सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच में हमारी 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस चली। और दोस्तों अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच में जो वंदे भारत की शुरुआत हुई वो पहले फेज के जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स आए थे वो सभी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि 19 जनवरी या फिर 20 जनवरी को इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट सारे गलत हुए और इस वंदे भारत को 15 जनवरी को ही फ्लैग ऑफ कर दिया गया। तो दोस्तों अगर वंदे भारत को लेकर अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो अभी जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि कई बार ये मीडिया रिपोर्ट्स गलत साबित हो जाते हैं। वंदे भारत को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ और बताया जाता है और हो कुछ और जाता है। तो अगर हम बात करें कि 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर तो फिर से मीडिया रिपोर्ट्स में यही बताया जा रहा है कि जबलपुर और इंदौर के बीच में हमारी 9वीं भारत एक्सप्रेस चलने वाली है। तो फिर से 9वीं वंदे भारत का चर्चा शुरू हो गया है मीडिया रिपोर्ट्स में और इंदौर जबलपुर के बीच में 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है, ऐसा सभी मीडिया रिपोर्ट्स में न्यूज निकल के आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में तो आपको तो पता ही है कि जिस रूट पर वंदे भारत चलनी होती है जो मीडिया रिपोर्ट्स में निकल के आते हैं उस रूट पर छोड़ के दूसरे रूट पर वंदे भारत को चला दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारी जो 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है क्या सच में इंदौर जबलपुर के बीच में चलने वाली है या फिर किसी और रूट में। तो अभी अगर हम रूट की बात करें जिस पर रेलवे डिसाइड कर रही है वंदे भारत को चलाने को लेकर, तो इसमें सबसे पहला नाम इंदौर जबलपुर और इंदौर जयपुर का आ जाता है। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो हावड़ा से वाराणसी के बीच में भी वंदे भारत को चलाने को लेकर प्लानिंग है और जो कि अभी तक वो प्लानिंग पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उस पर भी रेलवे डिस्कस कर रही है कि इस वंदे भारत को भी चलाया जाए। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारी 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी चलेगी और कहां से कहां चलेगी, तो अभी जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं उस सभी मीडिया रिपोर्ट्स में यही बताया जा रहा है कि फरवरी के लास्ट तक इंदौर से जबलपुर के बीच में हमारी 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। और दोस्तों एक वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि जब इंदौर से जयपुर के बीच में या फिर इंदौर से जबलपुर के बीच में वंदे भारत की शुरुआत नहीं हो पाई और सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच में शुरुआत हो गई, तो ये सवाल जब रेलवे अधिकारियों से पूछा गया रतलाम मंडल के, तो उनका जवाब ये था कि रैक न मिलने की वजह से हमारी इंदौर जबलपुर वंदे भारत की शुरुआत न हो पाई और सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत को रैक मिल गई, इसी वजह से हमारी इंदौर वाली वंदे भारत पेंडिंग हो गई। तो फरवरी के लास्ट तक इसका जो डेडलाइन है वो बढ़ाया गया है हमारी इंदौर जबलपुर वंदे भारत की। और अगर हम बात करें इंडिया की 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो आपको तो पता ही है और आपने भी शायद मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़े होंगे कि कई सारे नए नए रूट निकल के आ रहे हैं वंदे भारत ट्रेन चलने को लेकर, जैसा कि NJP गुवाहाटी, वाराणसी हावड़ा, रांची हावड़ा और भी कई सारे रूट निकल के आए हैं जिस पर वंदे भारत ट्रेन को चलाने को लेकर रेलवे तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन अगर बात करें कि 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी रूट पर चलने वाली है, तो इस पर काफी सारे अभी कंफ्यूजन बने हुए हैं। लेकिन अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सभी मीडिया रिपोर्ट्स में फिलहाल यही बताया जा रहा है फरवरी के लास्ट तक इंदौर से जबलपुर के बीच में इंडिया की 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें मीडिया रिपोर्ट्स की कि इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है, तो इसकी सच्चाई कितनी है ये तो वक्त ही बताएगा। अभी इस पर आंख बंद करके भरोसा करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ और आ रहे हैं और रेलवे एक्चुअली में कुछ और ही कर रही है। तो अगर हम बात करें 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का, तो इंदौर जबलपुर के बीच में बताया जा रहा है सभी मीडिया रिपोर्ट्स में, लेकिन इसमें बड़े बदलाव भी देखने को आगे मिल सकते हैं। मुझे तो अब यही लग रहा है कि इसमें बड़े बदलाव हो सकते हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये तो इंदौर जबलपुर बता रहे हैं, लेकिन अगर हम 9वीं वंदे भारत की बात करें तो किसी और नए रूट में जो कि एक अनएक्सपेक्टेड रूट है उस पर भी 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस चल सकती है, क्योंकि हमारे सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत की कोई भी चर्चा नहीं थी और अचानक इसको अनाउंस कर दिया गया। सभी को लग रहा था कि इंदौर जयपुर के बीच में 8वीं वंदे भारत चलने को है, लेकिन 8वीं वंदे भारत सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम में लॉन्च हो गई और उसका जो इनॉग्रेशन है वो भी हो चुका है, आपको तो पता ही है। और दोस्तों इंदौर जबलपुर वंदे भारत का जो डेडलाइन है वो फरवरी के लास्ट तक रखा गया है, यानी कि लगभग 1 महीना और 10 दिन का टाइम अभी लगभग बचा हुआ है। तो 1 महीना और 10 दिन में देखते हैं कि कौन सी नई वंदे भारत को लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि जो रेलवे का टारगेट है वो हर 1 महीने में 1 से 2 वंदे भारत लॉन्च करने का है। तो इस डेडलाइन में लगभग 1 महीना और 10 दिन का टाइम बच रहा है, तो इसमें 1 से 2 वंदे भारत लॉन्च होने का जो प्लानिंग है वो चल ही रहा होगा और किस रूट पर चल रहा होगा ये तो अभी किसी को नहीं पता है। जो रेलवे अनाउंस करेगी
होगी तभी चल पाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि मीडिया रिपोर्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा करना अब सही नहीं है, क्योंकि जो रेलवे कुछ और करती है और मीडिया रिपोर्ट्स में लीक्स कुछ और ही निकल के आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, कोई भी अगर अपडेट आता है इस वंदे भारत को लेकर तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। अब बस थोड़ा सा इंतजार करने का देरी है, तब जाके कुछ क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअली में हमारी नौवीं वंदे भारत किस रूट पर चलती है, वाराणसी हावड़ा रूट पर चलती है या फिर इंदौर जयपुर रूट पर या फिर इंदौर जबलपुर रूट पर। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।